हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो मेरा नाम है आरुह और आज फ्राइडे, तो हमारे स्कूल की आज हॉलीडे है। तो अक्रिश भी यहाँ पे है, अक्रिश हेलो। ये देखो, उसकी भी ये छुट्टी है। आज हम बहुत देर तक सोए हुए थे, और तो मैंने मम्मा को बोला है कि मेरे लिए मैगी बनाना। वैसे हम रोज रोज तो नहीं खाते हैं, कभी कभार खाते हैं तो मेरा मन कर जाता है। और ये देखो, किचन पूरा हुआ फैला हुआ है, आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा फैला हुआ है किचन। तो देखते हैं मम्मा बना रही है कि नहीं बनाएंगी। ये टमाटर खा लो। टमाटर, ठीक है ना। तो वो मम्मा अभी सफाई वगैरह कर रही है, तो आप उनसे बाद में मिलना। बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, शुक्रवार का दिन है, जैसे कि मेरी बेटी ने बता दिया है। आज उसका मन था वीडियो की स्टार्टिंग मैं करूँ, तो मैंने बोला चलिए आज आप ही करिए। और यहाँ पे जो है मैं आ गई हूँ किचन में, अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है। बड़ी मुश्किल से मैंने इन दोनों को उठा रखा है, छुट्टी का दिन मतलब पूरा सोने का दिन। बेटी का तो ऐसे ही होता है, अक्रिस तो फिर भी उठ जाता है, पर बिट्टू उठने में ना बहुत ज़्यादा लेजी है उसका। बस बस चले तो वो छुट्टी के दिन 12-1 बजे तक लेटी ही रहे। बड़ी मुश्किल से दोनों को उठाया, हस्बैंड को तो भेज दिया है ऑफिस। मैं तो उठ गई थी मॉर्निंग में जल्दी, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना था, तो उनके लिए खाना वगैरह बनाया, वो जा चुके हैं ऑफिस। और बच्चों का मन है मैगी खाने का, जैसे कि बिट्टू ने आपको बता दिया है। कभी कभार ना बहुत ज्यादा जिद कर देते हैं बच्चे की, मम्मा मैगी दो मैगी दो। बहुत ज्यादा मैं नहीं देती हूँ, मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि दी मैगी वगैरह ऐसी चीजें बच्चों को कम से कम देना। मुझे उनका कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगा। तो मेरे बच्चों के आप लोग भी इतनी ज्यादा केयर करते हो ना, तो ये सारी चीजें देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए, मैगी वगैरह चढ़ा दी मैंने, मैं आ गई हूँ अंदर। आज मेरे गद्दे जो है ना, तो इनको मैंने उठा के बस अपना जो ये बेड है इसको थोड़ा सा झाड़ लिया है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूल इसमें जमा हो रखी है। धूप में इनको नहीं रखूंगी, क्योंकि बहुत दिनों से धूप आ रही है आज। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना थोड़ा सा बालकनी की भी ना, मुझे बालकनी में थोड़ा काम है, थोड़ा सा गमले वगैरह ठीक ठाक करने हैं अपने, तो इसलिए बाहर में इनको नहीं रखूंगी। और यहाँ पे जो है मैं कर लेती हूँ इसको साफ। तो मैंने झाड़ू लगा दिया इसके ऊपर, और अब जो है गीले कपड़े से पूरा बेड को हम पोंछ लेंगे, तो जितनी भी धूल मिट्टी होती है ना वो सारी जो है सूख जाएगी। मैंने पंखा ऑन कर दिया था ताकि जल्दी से जल्दी ये सूख जाए। बहुत ज़्यादा गीला कपड़ा मैंने नहीं मारा है, क्योंकि बेड की प्लाई है ना वो खराब होने का थोड़ा डर रहता है। तो बस थोड़ा सा कपड़ा मार के उसको सूखने के लिए छोड़ दिया है, और पंखा चला दिया। यहाँ पे सोफा के कवर बहुत, सॉरी, कुशन कवर बहुत दिनों से धो के रखे हुए हैं, इनको पहनाने का ना टाइम बिल्कुल नहीं लग पा रहा था, तो इनको मैं पहनाऊंगी। अच्छा, मैं आपको बता दूं, आज मेरा फास्ट है, तो बहुत दिनों के बाद आज मैंने फास्ट रखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे फास्ट का दिन है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना जिस दिन आपका व्रत होता है, और एक अलग सी ना अंदर से बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है आपको। और आज मेरा मन इतना ज़्यादा खुश था, मन कर रहा था बस कितने सारे काम कर लूँ, कितना कुछ कर लूँ। ये दिन होते हैं ना जैसे व्रत वगैरह के दिन, तो इस दिन आपके अंदर भगवान जी ही ऑटोमेटिकली इतनी ज़्यादा एनर्जी डाल देते हैं। भूखे प्यासे रहकर भी आप इतनी एनर्जी से काम कर लो, मतलब ये नहीं तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। पर भगवान जी सारी शक्ति आपको दे देते हैं अगर आप किसी भी काम को मन से करो। तो मेरा दिल ना आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा खुश था, मतलब मैंने व्रत भी रखा था ना, मुझे बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। तो देखिए, व्रत है तो मैं सारी चीज़ों को जो है ना चेंज कर दूंगी, जैसे बेडशीट वगैरह है, और किचन भी जैसे काउंटर टॉप वगैरह, गैस स्टोव है, उन सारी चीज़ों को भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ आज। तो देखिए, यहाँ पे जो है मैंने पूरे घर की सफाई कर ली है, किचन भी साफ कर लिया था, बाकी अब थोड़ा सा काम बचा हुआ था। काम ये बचा था थोड़ा सा ना, अंदर आपकी ग्रीनरी होना बहुत जल्दी जरूरी है। मुझे प्लांट्स वगैरह लगाने का और घर को डेकोरेट करने का ना बहुत ज़्यादा शौक है, तो जितना मेरे से हो बन पाता है मैं करती हूँ धीरे धीरे सारी चीज़ें। मेरे माइंड में ना कुछ चलता रहता है कि यहाँ से ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें अभी मैं मीशो से या फिर मतलब जो भी है ऑनलाइन मंगाने वाली हूँ घर को डेकोरेट करने के लिए। मुझे घर को डेकोरेट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कल ना मैं सब्जी मंडी गई थी सब्जी लेने, यहाँ पे जो है रास्ते में ना मुझे एक जगह पे पुदीना मिला, बहुत सारा हो रखा था किसी के घर के बाहर, तो मैं निकाल के ले आई थी वहाँ से खूब सारा। मैंने बाल्टी में रख दिया था रात भर के लिए, ताकि उसकी जड़ें ना थोड़ा गीली रहे। और यहाँ पे मेरे पास एक गमला था जो खाली रखा हुआ था, मॉर्निंग में मैंने उसमें पानी भर दिया था ताकि उसकी मिट्टी भी थोड़ा सा लूज हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे जो है मैंने उसमें धनिया, ये पुदीना, सॉरी, लगा दिया है। पुदीना, गर्मियों में पुदीने की चटनी खाओ ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है पुदीने की चटनी। तो देखिए, यहाँ पे बस काम तो थोड़ा सा ही था, पर बालकनी
में मिट्टी बहुत ज़्यादा फैल गई है। तो देखिए यहीं के यहीं मैं इस मिट्टी को उठा दूंगी, क्योंकि मैंने घर की क्लीनिंग में कर चुकी थी, बालकनी में पोछा वगैरह सब कुछ लग चुका था। अब जो है फिर से मेरी बालकनी थोड़ा सा गंदी हो गई है, और फिर जो है मुझे थोड़ा सा कपड़े रखे हुए थे जो कि मैंने मॉर्निंग में ही धो दिए थे, मतलब मशीन जल्दी लगाती थी मॉर्निंग में, क्योंकि दियाबाती करनी है, मैंने अभी नहाया नहीं है। तो मेरी कोशिश थी जितनी जल्दी जल्दी मैं काम निपटा लूँ उतनी जल्दी जो है फिर मैं अपनी दियाबाती करूँ, मैं नहाने चली जाऊँ। और व्रत वगैरह के दिन ना एक बार नहा लो, उसके बाद जो है ये सारे काम करने का मन नहीं करता है। तो देखिए मेरा व्रत होता है ना, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं पड़े रहने से अच्छा है कुछ ना कुछ काम में लगी रहूं, जिससे कि आपका दिमाग जो है व्यस्त रहेगा तो आपके इतना नहीं, तो खाली आप बैठे रहते हो ना तो आपको लगता है यार मुझे भूख लग रही है या फिर मेरे को लो सा फील हो रहा है। व्रत के दिन हर किसी को होता है, पर अगर आप अपने काम में लगे रहते हो ना आपके अंदर अलग सी एनर्जी जो है ऑटोमेटिकली आ जाती है, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने व्रत रखा है या फिर कितना टाइम हो गया कुछ पता नहीं चलता। तो देखिए मेरे तो आज बहुत सारे काम थे पेंडिंग जो मुझे निपटाने थे, छोटे मोटे से काम होते हैं ना जो दिखते तो बिल्कुल नहीं है पर इनको करने बैठो तो घंटे घंटे कहाँ निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो बालकनी में जैसे मैंने मिट्टी वगैरह का काम भी करा था, तो कपड़े मैंने ना यहीं पर जो है पानी से निकाल दिए हैं, क्योंकि लाइट चली गई थी तो कपड़ों को मैं हाथ से ही सूखने के लिए डाल दूंगी। और उसके बाद जो है मैं चली गई थी नहाने के लिए, तो आज मेरा व्रत था तो मैंने जो है सूट डाल लिया है, और थोड़ा सा बर्तन थे इनको जो है मैंने धो दिया था, मतलब साबुन वगैरह लगा दिया था, बस पानी से इनको भी निकालना था। तो बस यहाँ पर मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं, बर्तन धोने के बाद मुझे करनी है अपने मंदिर की डीप क्लीनिंग। तो मैं चाहती तो उठते ही सीधा नहा धो के दिया जला सकती थी, पर मेरे को ना ये करना इतना अच्छा नहीं लगता है। पूजा एक ऐसी चीज़ है, मंदिर में हम भगवान जी के आगे जोत जलाते हैं, तो मुझे दिया बाती वगैरह करना ना तसल्ली से अच्छा लगता है, ताकि मुझे कोई जल्दबाजी ना हो, मैं आराम से भगवान जी का ध्यान करूँ। तो घंटा आधा घंटा तो लग ही जाता है आराम से दिया बाती करने में, अगर आप तसल्ली से करो किसी काम को। तो यहाँ पर जितनी भी मंदिर की चीज़ें हैं वो सारी मैंने गंगा जल से धो दी है, और जो मैं आपको ये ब्रश दिखा रही थी बर्तन धोने का, तो ये मेरा नया है, तो मैं इससे भगवान जी के जो भी बर्तन वगैरह होते हैं ना उनको धोती हूँ। तो मैंने इसको ना साइड से कट लगा रखा है ताकि मैं भूलूँ ना कि मंदिर का कौन सा है, नहीं तो कभी कभार मिक्स हो जाते हैं। तो देखिए आपने देखा मैंने साइड से वो थोड़ा काट रखा है, ये देखिए रखा है ना सामने ग्रीन वाला, तो इसलिए मैंने काट रखा है ताकि मेरे माइंड में रहे कि हाँ मैंने ये मंदिर का है, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ इसलिए। तो ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं ना जो हमें थोड़ा बहुत आजमानी चाहिए, ताकि कोई भी मंदिर की चीज़ें इधर उधर मिक्स ना हो। यहाँ पे जो है मैं कान्हा जी को भी गंगा जल से स्नान करा दूंगी, उसके बाद उनके वस्त्र भी मुझे आज चेंज करने हैं, उनके वस्त्र को चेंज कर दूंगी। बहुत से लोग जैसे डेली डेली कान्हा जी को वस्त्र चेंज करते हैं, उनको नहलाते हैं और मतलब उनको स्नान कराते हैं और उनको जो भी बनता है भोग वगैरह लगाते हैं, तो इतने ज़्यादा चीज़ें तो मैं नहीं करती हूँ, बाकी थोड़ा बहुत जितना मुझे आता है वो चीज़ें कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नियम मुझे नहीं पता पूजा पाठ के जो भी है। और मेरे घर में भी मम्मी लोग हैं चाहे मेरे ससुराल वाले हैं, तो इतने ज़्यादा कोई भी नहीं जानता है, तो हम लोग तो नॉर्मल से मतलब सीधे साधे से पूजा करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है मेरे घर वालों को भी नहीं पता है नियम इनके, तो बस जितना हम लोग को पता है बस उतना हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे दियाबाती करने के बाद थोड़ा देर मैं अपनी वीडियो मैंने एडिट करी, वीडियो मेरी अभी आधी एडिट हुई है, अभी मुझे और उसमें काम है, वॉइस ओवर भी करनी है। तो उसके बाद जो है बच्चों का लंच का टाइम हो गया था, तो मैंने दियाबाती लगाने के बाद बच्चों को जो है काफ़ी टाइम हो गया अभी तो दियाबाती करे हुए, फिर जो है अब मैं अपने लिए एक कप चाय बनाऊंगी, क्योंकि सुबह से ना तो मैंने चाय पी है ना तो मैंने पानी पिया है। सुबह से जब से उठी हूँ ना तो मन नहीं करता, जब तक आप दियाबाती ना कर लो ना कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता है। तो बस एक बार दियाबाती कर ली है, अब जो है मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी है। आपको यकीन नहीं आएगा अभी 2 बज गए होंगे दिन के, 2 या 2:30 बज गया होगा, अब जाकर मुझे एक कप चाय पीने का टाइम मिला है, क्योंकि बहुत सारे काम थे मेरे आज जो मैंने निपटाए हैं। तो मैंने अपने लिए चाय बनाई है, बच्चों को लंच करने के लिए दे दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा मखाना रखे हुए थे रोस्ट करके, तो मैं थोड़ा सा मखाने लूँगी और बच्चे भी खाएंगे इसमें से, मैं ही नहीं खाऊंगी। तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले लिया मैंने, तो ड्राई फ्रूट वगैरह खाने से ना थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है आपके अंदर। तो चाय बन गई है, यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है, तो बच्चे और मैं दोनों मिलकर इनको खा लेंगे। 2:30 बज गए हैं, अब जाकर मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ कामों से, बच्चों को मैंने लंच दे दिया है, बनाया नहीं था जैसे कि मैंने आपको बताया, कल रात का बचा हुआ था ना मैंने गर्म करके दे दिया है, और अपने लिए चाय बना के लाई हूँ। तो 2:30 बज गया है, देखिए इतना लेट हो गया, छोटे मोटे काम ना घर के इतने सारे हो जाते हैं उनसे हम फ्री भी नहीं हो पाते हैं, और वो काम दिखने में भी कुछ नहीं आते। तो अभी मैं अपनी चाय पी लेती हूँ, चाय थोड़ा ठंडी हो जाएगी क्योंकि मेरे से बहुत ज़्यादा गर्म चाय नहीं पी जाती है। उसके बाद जो है
रेस्ट तो आज क्या ही करूंगी। वैसे बोलते हैं ना व्रत के दिन सोना नहीं चाहिए, दिन में सोते नहीं है बोलते हैं, तो देखते हैं कितना मेरे से पॉसिबल हो पाता है अगर नींद नहीं आई तो। वैसे तो टाइम ज़्यादा हो गया, मैं थोड़ा अपनी चाय वगैरह पीती हूँ, तब तक 3 बज जाते हैं। और जो आज मेरा वीडियो जाएगा ना, मुझे वो वीडियो भी अपना एडिट करना है, तो आज सोना नहीं हो पाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। वीडियो एडिट करना है, वॉइस ओवर करनी है, बहुत सारे काम है। तो चलिए मैं अपनी चाय पीती हूँ, फिर मैं अपने काम पे लगती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने अपनी चाय वगैरह पी, उसके बाद मैं तुरंत आई किचन में, बिल्कुल भी नहीं बैठी चाय पीने के बाद, फिर से लग गई हूँ अपने काम पे, क्योंकि मैं चाहती थी मैं आज सोऊँ ना। और व्रत के दिन जैसे आप कुछ खाते नहीं हो ना तो नींद भी नहीं आती है, जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो हमें एकदम नशा सा हो जाता है कि बस अब सो जाए हम। पर आज मेरे अंदर इतनी एनर्जी थी, ना तो मुझे नींद आई ना तो मुझे थकान फील हुई, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। तो सब्जियाँ कल लेके आए थे तो मैंने इनको वॉश नहीं करा था और ना तो उनको संभाल के रखा था, तो जो जो चीज़ें वॉश करने की होती है जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गए उनको मैंने वॉश कर दिया है, क्योंकि बच्चे बिट्टू मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मम्मा मुझे मैंगो काट के दो, तो मैं तो अभी नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने चाय पी रखी है। चाय पी के तुरंत ना मेरा मन ऐसे फ्रूट्स वगैरह कुछ खाने का नहीं करता है, वो बार बार किचन में आ रही थी कि मम्मा मुझे मैंगो काट के दो। बस मैंने बोला बेटा मैं बर्तन लगा लूँ, बच्चे एक बार किसी चीज़ के लिए बोलते हैं ना तो वो बस पीछे पड़ जाते हैं, तो बार बार किचन में आ रही है मुझे दो करके, तो जल्दी से मैं इन बर्तनों को इनकी जगह पर अरेंज कर दूँ। और बस यहाँ पे जो है मेरे घर के काम भी सारे खत्म हो ही चुके थे, टाइम तो 3:30 हो गया होगा अभी। बस मैं ये चाहती थी कि मैं लेटूँ ना बस, तो इसलिए मैं अपने कामों पे लगी हुई थी, कुछ ना कुछ काम जो है निकल ही आते हैं अगर आप करने के लिए लगो ना तो बहुत सारे काम निकल आते हैं, और अगर आप चाहो कुछ ना करना तो फिर एक भी काम नहीं निकलता है। अच्छा आप सबको एक मैसेज मुझे देना था, मेरे पास कल एक कमेंट आया था कि दी आप तो 2 बजे वीडियो डालते हो तो आपका वीडियो इतना लेट क्यों हो जाता है, तो सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, तो मैं फिर से ना शाम को ही वीडियो डालूंगी। 7 बजे मैंने डिसाइड करा है कि मैं शाम को 7 बजे ही वीडियो डालूं, क्योंकि 2 बजे का टाइम ना मेरे लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि मॉर्निंग के इतने सारे काम होते हैं, उसके बाद जो है जब तक मेरे घर के काम निपटते हैं फिर बच्चों को लाने का टाइम हो जाता है, लंच का टाइम हो जाता है, तो उस बीच में ना मुझे वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो फिर वीडियो मेरा कभी 3 बजे आता था कभी 2:30 बजे, फिक्स टाइम पर वीडियो मेरा नहीं आ पाता था, तो फिर शाम का टाइम ऐसा हो जाता है ना मैं दिन में लंच करती हूँ उसके बाद मैं अपनी वीडियो एडिट करने बैठ जाती हूँ, अपना वॉइस ओवर कर लेती हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा टाइम जो है मुझे मिल जाता है, नहीं तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था सारी चीज़ों को मैनेज करना, तो इसलिए मैंने सोचा मैं शाम का ही टाइम पकड़ूँ, तो मैंने कोई कम्युनिटी पोस्ट भी नहीं डाला, मैंने सोचा यार आप लोग भी बोलेंगे क्या बार बार टाइम चेंज करती रहती है। तो कल मेरे पास एक मैसेज आया था क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियो का वेट करते हैं, तो वो लोग दिन में वेट कर रहे होंगे कि दीदी का वीडियो आएगा, पर फिर से जो है मेरी वीडियो शाम को 7 बजे ही आएगी, और अब जो है 7 बजे वाला टाइम कभी चेंज नहीं होगा जब तक मैं वीडियो बना पाऊँ आप सबके लिए। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कपड़े रखे थे जिनकी मैंने तय लगा दी है, थोड़ा सा कपड़े रखे हुए थे जिनको मुझे सुखाना था, तो अभी तो शाम का टाइम हो गया है, 5:30 बजे का टाइम हो गया था, और यहाँ पे जो है थोड़ा सा कपड़े थे, सॉरी 5:30 बजे का टाइम नहीं था, अभी अभी लंच के बाद का ही टाइम था, सॉरी मैं भूल गई थी, क्योंकि बाहर अभी धूप काफ़ी है ना, तो मुझे याद आया अक्रिस गया ना यहाँ से अभी, तो मुझे याद आया कि नहीं ये दिन का ही टाइम था, क्योंकि शाम को तो बच्चे खेलने चले जाते हैं, अभी बच्चे घर पे ही थे, और अब हो गया है शाम का टाइम, ये अभी यहाँ पे इवनिंग के 5:30 हो गए होंगे, 5 बजे मेरे दोनों बच्चे चले गए थे थोड़ी देर खेलने के लिए, और जब उनकी समर हॉलीडेज होंगे उससे पहले बच्चों के एग्जाम्स हैं तो उनका सिलेबस वगैरह सब कुछ आ गया है, तो मैंने उनको दिन में ना थोड़ा देर पढ़ने के लिए भी बिठा दिया था अपना झाड़ू पोछा करने के बाद, तो मैंने 1-2 घंटा उनको पढ़ाया दिन में ताकि वो थोड़ी चीज़ें लर्न कर ले अपनी, क्योंकि एग्जाम्स भी हैं उनके 2-4 दिन में, तो बस उसके बाद बच्चों को मैंने अभी थोड़ी देर खेलने भेज दिया है, और मैंने उनको बोल दिया कि 1 घंटे के बाद घर आना है, मैं फिर से उनको पढ़ने बिठा दूंगी। और देखिए सुबह शाम चाहे कभी भी हो ना, जिस घर में बच्चे होते हैं वो घर हमेशा व्यस्त ही रहेगा, तो देख सकते थे आप कि इवनिंग टाइम में भी बच्चों ने घर की क्या हालत कर दी थी, जबकि ना तो बच्चे सोए थे ना तो मैं सोई थी, थोड़ी देर हमने ऐसे ही फ़ोन चलाया, मैंने अपनी वीडियो वगैरह एडिट करी, वीडियो अपलोडिंग पर लगा दी थी, वीडियो का काम मेरा हो चुका था, अब जो है बस बच्चे चले गए हैं तो घर में थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगा देते हैं, और इवनिंग वाली झाड़ू मैं थोड़ा जल्दी लगा देती हूँ 5:30 बजे तक, जब तक कि थोड़ा अंधेरा ना हुआ हो। यहाँ पे अब कर लेते हैं डिनर की तैयारी, तो डिनर में ना आज मैं बनाऊंगी जो भंडारे वाली आलू की सब्जी होती है ना, वो आलू की सब्जी, तो व्रत के दिन तो लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं, तो खाली जीरे से छौंक के बस थोड़ा सा हरी मिर्च वगैरह डाल के जो है मैं सब्जी बना लूंगी,
और लहसुन प्याज आज कुछ भी नहीं जाएगा सब्जी में। और इवनिंग टाइम में ना आज मैंने चाय नहीं पी थी, क्योंकि व्रत के दिन ना मेरा मन चाय पीने का करता भी नहीं है, और अगर मैं चाय वगैरह पीती हूँ ना तो मेरे गैस बनती है, तो मुझे बहुत तेज का हेडेक होता है, क्योंकि मुझे ना माइग्रेन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मुझे माइग्रेन में थोड़ा सा चाय वगैरह पीने से ना दिक्कत हो जाती है, फिर मेरे को बहुत तेज का सर दर्द होने लगता है। तो डॉक्टर ने तो मुझे बिल्कुल मना बोला है कि आपको खाली पेट नहीं रहना है, अगर आप खाली पेट रहोगे तो आपको माइग्रेन का हेडेक जो है बहुत ज़्यादा होने लगेगा। मुझे हो भी जाता है, जैसे आज के व्रत में तो हमने फ्रूट्स ले लिए, पानी वगैरह पी लिया, पर करवा चौथ के व्रत में ना मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है, मुझे हेडेक इतना तेज होता है, उसके बाद मेरे को बहुत सारी वोमिटिंग होने लगती है, तो मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैंने चाय नहीं पी, मैंने अपने लिए थोड़ा सा फ्रूट्स कट कर लिए थे। अब जो है इवनिंग टाइम में अपनी दियाबाती करूँगी, फिर अपना डिनर वगैरह बनाएंगे। फिलहाल इसी के साथ ही आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप सबसे मिलूंगी अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।